मर कोई एक मुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। ध्यान से सुनिएगा। भ्रमर कोई एक मुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। हम लोग आज दोस्त सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। सरलीकरण की टॉप 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए यूपीपीएससी एग्जाम में या अन्यंत्र। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ गया दोस्त। लिखा है कि एक सही दो सही 1/2 प्लस में 3 सही 1/4 प्लस में एक्स प्लस में 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12, राइट। ये है मिक्स फ्रैक्शन। क्या है दोस्त? ये है मिक्स फ्रैक्शन। इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 + 1/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 1/4 भी ऐसे लिख सकते हैं, प्लस एक्स इस फ्रैक्शन को 2 + 1/3 लिख सकते हैं, 13 + 5/12 ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, 2 है 3 है और 2 है, और यहाँ पे देखो 2 2 3 2 5 2 7, ठीक। प्लस 1/2 1/4 1/3, 1/2 + 1/4 + 1/3, इनको हम अलग से फ्रैक्शन रखेंगे, और प्लस एक्स जो बचा तो इसको यहाँ रखेंगे, बराबर 13 5/12। इन फ्रैक्शन को उस साइड हम लेके चले जाएं क्या? ठीक है, लेके चले जाते हैं। अगर हम इसको उस साइड लेके, पहले इसको हल कर लें क्या, 7 + LCM लेंगे 12 हो जाएगा, 2 × 12 6 × 9 6, 4 3 12 3 1 9 3, 3 × 12 4 9 4 प्लस में एक्स बराबर 13 + 5/12, ठीक दोस्त। चलो एक्स का वैल्यू निकालना है, 13 है + 5/12 है, इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा, और इसको ले जाएंगे 6 × 4 10 3 13, माइनस में 13 बटा क्या हो जाएगा 12, ठीक है। चलो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 में 7 जाएगा 6 मिल जाएगा, प्लस में यहाँ पर 5/12 -13/12 है, ठीक है। यहां तक दिख रहा है साफ साफ, ठीक। चलो अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते भाई, 6 प्लस इसका अगर हम एलसीएम लेंगे ना, देखिए अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12 × 12 यहाँ पर 5, यहाँ पे -13, ये क्या हुआ 6, ठीक है। और प्लस में यहाँ हो जाएगा माइनस में 8/12, ठीक है। कितना हो गया, -8/12। थोड़ा कट्टम पिट्टा मचा ले गया, चलो मचा लेते हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6, -8/12 है, अगर इसको हम कट्टम पिट्टा मचाएंगे तो ये कट जाएगा, 4 × 8 4 × 3 12, ठीक है, कोई बात नहीं। एक यहाँ पे फ्रैक्शन, अगर हम इसको 6 को 5 धन 1 तो लिख ही सकते हैं, और -2/3 यहाँ पर है, 5 धन 3 × 9 3 2 = 1/3, तो 5 सही 1/3, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी में 5/1/3, आप जैसे मन वैसे कर सकते हो, ठीक है, आप जैसे मन वैसे कर सकते हो, बट मैंने एक आपको तरीका बताया, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो ना। चीजें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं झट से, ठीक है। झट मंगनी पट ब्याह वाला सीन करते हैं। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ गया है, ठीक है। देख रहे हैं क्या लिखा है, कि दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, संख्याओं का गुणनफल होगा। बहुत अच्छा यार, दो संख्याओं का योग x + y = 28 दे दिया है और उनका अंतर 12 है, x - y = 12 दे दिया है, बोला है अब उनका गुणनफल बताओ। पहले x मतलब उनको पूछा है x * y का वैल्यू, xy का। तरीके बहुत हैं, चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। -10 कैंसिल, यहाँ 2x हो जाएगा, 12 * 8 = 40 हो जाएगा, x वैल्यू हो जाएगा 20, कितना होगा दोस्त 20, 40 में हम दोस्त भाग देंगे 20 आ जाएगा। अगर x + y के वैल्यू 28 दिया है, अगर x का वैल्यू 20 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 28 - 20 बराबर y वैल्यू हो जाएगा 8, ठीक है। हमसे गुना पूछा है, कर लीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 20 है, y का वैल्यू 8 है, तो 2 * 8 = 16 160, आपका ऑप्शन नंबर 2 से उसमें दिया, ऑप्शन वाला सी विल बी राइट।
ऑप्शन सी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम सही जा रहा है। ये जैसे प्रीवियस ईयर सवाल हम सोचे आपको करा देते हैं, ठीक है। चलिए, है तो आसान है लेकिन आप एक बार इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाओ दोस्त, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सामने आ गया सवाल आपके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें लिखा था कि एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है, पिकनिक में कितने पुरुष हैं। भाई महिला पहले मान लो, जो महिला है ना वो कितनी है, एक्स है, क्योंकि पुरुष है महिलाओं से 20 ज्यादा है, x+20, ठीक है, यही बोला है ना। पुरुषों की संख्या 20 अधिक है, महिला एक्स हो गई पुरुष। अब बच्चे जो है ना दोस्त, जो बच्चे है ना, बच्चों की संख्या वयस्कों की संख्या की 20 अधिक है। अच्छा, वयस्क कितने हैं भाई, महिला और पुरुष दोनों को आप जोड़ लीजिए, महिला हो गई या पुरुष हो गए थे, ये दोनों मिला इससे 20 ज्यादा है। यहाँ हम 20 घटा दें क्या, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, ये -20 + 20 कैंसिल, बच्चे हो जाएंगे 2x। कुल संख्या कितनी है, महिला जोड़ लीजिए, पुरुष जोड़ लीजिए और बच्चे जोड़ लीजिए, कितना है, 240 है। कुल संख्या कितनी है दोस्त, 240 है। अगर 1x यहाँ, 2x यहाँ, 2x ये, 2 2 4x ये हो जाएगा, और 20 अगर वो साइड जाएगा तो 240 - 20 हो जाएगा, तो 4x का वैल्यू हो जाएगा 220, x का वैल्यू हो जाएगा 4 5 20, 4 5 20 x वैल्यू 55। मीन्स पुरुषों की संख्या, महिला की संख्या कितनी है दोस्त, 55 है, अब पुरुष को कितना है, 55 + 20 75 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 75। आपसे क्या पूछा था, पिकनिक में कितने पुरुष हैं, तो पिकनिक में दोस्त कितने पुरुष हैं, 75, और आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, 3 सवाल हो गए, 2 सवाल अभी आपके और बचे हैं, जल्दी से हम खत्म करा देते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा। चौथा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका होगा, ठीक है, ये रहा चौथा नंबर सवाल आपके सामने। चौथा नंबर सवाल को देखते हैं क्या लिखा है दोस्त, लिखा ये है कि 0.5 डिवाइड बाय 0.125, 0.5 डिवाइड बाय 0.125, बहुत सही, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव 1 अंक है, आप इसको सही करो, 0.5 पर 2 0 बढ़ा लो, और ये तो भाग वाले नीचे आ जाएगा, 0.125, दशमलव दशमलव आमने सामने वो कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 500 बटा 125, काटेंगे सीधे से 4 बजे, कितना बार, 4, और आपको ऑप्शन नंबर कितना दी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये चौथा भी आपका निपट गया है ना, सवाल आसान, ठीक है, आसान आसान से सवाल है तो आपको करना चाहिए। पांचवें नंबर सवाल को देखते हैं दोस्त, ठीक है, पांचवा नंबर जो सवाल है आपके सामने ये है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि 23 गुना में 64 - 24 / 100 का मान होगा, 23 गुना में 64 - 24 / 100 का मान, कोई बात नहीं दोस्त, चलो 23 गुना 64 में 24 जाएगा तो आपको 40 मिल जाएगा, भागे 100 रहने दीजिए। अब पहले क्या होगा, भाग होगा, तो भाग मतलब 23 गुना में 40, ये 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है, कोई बात नहीं, गुना कर लो, 4 3 12, 4 2 8 1 9, और 0 बटे में 100, जब भाग देते हो क्या होगा, 2 0 2 के बाद दशमलव, 9.20 आंसर हो जाएगा, 9.20, 9.20 किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। क्लास कैसा लगा, छोटा